बड़ी खबर आपको बता दें, हमीरपुर में बढ़ा दबंगों का कहर। दबंगों ने मां बेटी से जमकर मारपीट की है, महिलाओं को खेत में दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, मां बेटी को लहूलुहान करके मौके से फरार हुए हैं। जरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दबंगों ने मां बेटी के साथ में अभद्र व्यवहार किया, दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटा, महिलाओं को खेत में दौड़ा कर पीटा गया है, मां बेटी को लहूलुहान करके आरोपी मौके से फरार हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक आरोपियों का कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन हमीरपुर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी मौके की हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और कहीं ना कहीं इस बात का दावा किया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ में कार्रवाई जरूर की जाएगी। तरुण श्रीवास्तव सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तरुण, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आप तो दादू जिस तरह से तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि हमीरपुर में जो कानून का इकबाल है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। फिलहाल तस्वीरें बयां कर रही हैं, यहाँ पर कानून का कोई भी खौफ नहीं है। जैसे कि खेतों पर काम कर रही दो महिलाओं को यहाँ पर गांव के दबंगों ने ही पीटा है, जबकि इतना मारा कि लहूलुहान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है जो हमीरपुर पुलिस की जो विफलता है यहाँ पर, यह है कि जो आरोपी है, दबंग है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। एक बड़ा सवाल है हमीरपुर पुलिस के लिए, लगातार महिलाओं के ऊपर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और पुलिस हाथ से हाथ धरे बैठी है। जी सिद्धि, बिल्कुल, जाहिर तौर पर पुलिस का कोई खौफ अपराधियों में दिखता दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया, आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी और इस तरीके की घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही हैं? जो सत्य आपसे बता दूं, हमीरपुर में जैसे कि देखा जा रहा है महिलाओं के संग लगातार अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और अपराध का ग्राफ बढ़ने का एक ही चलिए ठीक है। बिल्कुल अरुण, अपडेट के लिए आपको बहुत शुक्रिया।